अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में साजिशी थ्योरी सबसे ज़्यादा बिकती है, तो आज प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसका भी तस्करा करेंगे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक फसाद वाली कैफियत है और अगर हमने उसको ओवरकम ना किया तो आइंदा आने वाले चंद महीने पूरे मुल्क में आग फैलने का अंदेशा है, कम होने का नहीं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी आज बहुत बड़ा दिन है इस्लामी तारीख के हवाले से भी, तो पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि फसाद वाली कैफियत से हम निकल जाएं, अमन की तरफ आ जाएं। जो आइंदा चंद हफ्ते हैं मुझे वो फ़िज़ा ख़त्म होती नज़र नहीं आती। आज जो नए वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मीटिंग की एक तस्वीर शाया हुई है और मीटिंग में उन्होंने कौमी सलामती के उमूर को डिस्कस किया है, लेकिन एक चीज़ जो सर फहरिस्त होगी जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने भी और शहबाज शरीफ के सामने भी, दो इश्यूज़ होंगे। एक तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, इकॉनमी डूब रही है, उसको बचाना कैसे है। शहबाज शरीफ मेट्रो पुल का इफ्तिताह करके इकॉनमी को नहीं बचा सकेंगे, उन्हें एक टफ़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पेनफुल एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है, तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो जो इमरान खान का डिसीजन था वो सियासत के ऊपर मबनी था, उसका इकॉनमी से लोगों की गुरबत से ताल्लुक़ नहीं था। हम 5-6 हज़ार अरब रुपया अपने कर्ज़ों में इजाफा नहीं कर सकते और वो फ़ैसला शहबाज शरीफ को अभी लेना है। टालेंगे तो वो हम और डूबेंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन बिगेस्ट चैलेंज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जहाँ से मैंने शुरू किया, ये इन दोनों शख्सियात के लिए इम्तहान है। जब जहाँ पे भी आर्मी चीफ जाएंगे, किसी भी सेशन में इंट्रैक्शन होगा, अपनी कोर में जाएंगे, तो वहाँ से जवानों के जहन में भी ये सवाल उठता है और आर्मी चीफ उसको एड्रेस करते हैं। मेरे पास काबीना के मिनट्स हैं, मैं आज 3-4 चीज़ें कुछ लेकर आया हूँ, दिखाना चाहूँगा। ये क्लासिफाइड कॉपीज़ होती हैं, मैं स्क्रीन पर, मेरे प्रोड्यूसर का ख्याल था कि पूरी कॉपी स्क्रीन पर डाल देते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पर इसको नहीं डालता। ये कॉपी मैं आपको पढ़ के इसके कुछ हिस्से सुनाऊँगा। ये काबीना के 30 तारीख है, जब 7 तारीख को इलामिया आया, ये बताते हैं, नंबर भी उसका लिखा हुआ है, कोई 88 नंबर है या क्या उसका, जो साइफर मैसेज आया है असद मजीद का साइफर मैसेज है, डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग के बाद। काबीना के इजलास में उस वक्त आया जब इमरान खान जलसे में ख़त लहरा चुके थे और हम कहते थे कि किसका खत है, क्योंकि कहते थे गैर मुल्की धमकी मिली है, और मैंने यहाँ इसी प्रोग्राम में बैठ के समा पे कहा था कि असद मजीद का साइफर नोट है जो उसको US स्टेट डिपार्टमेंट ने डीमार्च करने के बाद दिया था, वही होगा, उसी के अंदर तफसील होगी। इस पूरे मिनट्स के अंदर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का तस्करा मुझे नहीं मिला। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, जो डिसीजंस ऑफ द मीटिंग पे आ जाते हैं, जो कैबिनेट ने, हमारी कैबिनेट ने लिए हैं बेस्ड ऑन असद मजीद साइफर नोट, उसके ऊपर कंक्लूजन्स के अंदर क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये कंक्लूजन्स भी हमारे अपने ड्रॉ किए हुए हैं, ये किसी डोनाल्ड लूक ने लिख के नहीं हमें भेजे हुए। कैबिनेट ने उस सारी ब्रीफिंग को जो था बड़े ग्रेव कंसर्न का उसके ऊपर इशार किया और जो इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज थी, कहा कि टेंटामाउंट टू द थ्रेट ऑफ रिजीम चेंज, कि जो इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई है डोनाल्ड लू की जानब से, जो असद मजीद ने हमें बताई, दैट टेंटामाउंट, के वो तकरीबन रिजीम चेंज के मुताबिक वो बन जाती है, क्योंकि उसने कहा क्या, वो उसके ब्रीफिंग के अंदर लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि रशिया का विज़िट लगता है कि इमरान खान का ख़ुद का फ़ैसला था और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान जो पॉलिसी न्यूट्रलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं और रूस का विज़िट कर रहे हैं, ये आइंदा आने वाले दिन इमरान खान को आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा अमेरिका और यूरोप में, अगर इस सिचुएशन में ये वहाँ जाते हैं। डोनाल्ड लू ने कहा, यकीनन कहा होगा, बिल्कुल मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, अमरीकी ऐसी ज़बान नहीं बोलते, वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, उधार या इमदाद देते हैं, तो हम जो कहते हैं माने, वो ऐसा तरीकाकार उनका यही होता है, यकीनन बोला होगा, मैं शक नहीं कर रहा इमरान खान के ऊपर भी और पाकिस्तान के एम्बेसडर के ऊपर भी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर शक करता हूँ। दूसरा हिस्सा जो इसके ऊपर आ जाए, उन्होंने कहा कि ये टेंटामाउंट टू द थ्रेट ऑफ रिजीम चेंज, देयरफॉर अ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के दाखिली मामलों में मुतरादिफ के, दाखिली मामलों के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ है, पाकिस्तान ने रूस जाना है, चीन जाना है, ये तो पाकिस्तान का फैसला, किसी का और का तो नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फिक्र, ये पहला जुमला है, पहली कंक्लूजन है, पहला डिसीजन है कैबिनेट का। दूसरा डिसीजन है उसका कैबिनेट का, द कैबिनेट रिपोज कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पूरे इत्माद का इजहार किया। फिर द कैबिनेट डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग वे फॉरवर्ड, प्राइम मिनिस्टर मे कंसिडर टेकिंग द नेशन, कौम को इत्माद के ऊपर लें, जो साइबर मैसेज है मे बी शेयर्ड विद द पार्लियामेंटेरियंस एज परमिसिबल थ्रू एन इन कैमरा ब्रीफिंग, द मैटर मे ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो उसके बाद एक दिन बाद हुई 30 और 31 को। 7 से लेकर 27 तक 3 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जलसे की तैयारी करते रहे, उस वक्त ना नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा था ना इंटरनल मैटर को ख़तरा था,
डोनाल्ड लू ने वो ज़ुबान यकीनन बोली होगी कि इमरान खान दोबारा अमेरिका आएंगे तो उनको आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा, यूरोप में मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस का भी तज़किरा किया होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में जो चल रही है बातचीत, अगर तो कामयाब होगी कोई और आ गया तो फिर तो सारा कुछ फॉरगिव कर देंगे, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को मुश्किलात का सामना करना होगा। ऐसी लैंग्वेज वो बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी ऑफ द रेजिम चेंज वो एक एलिगेशन है। सिर्फ कोई शहबाज शरीफ या जरदारी के ऊपर नहीं लगता, वो इदारों के ऊपर लग जाता है। ये इतना बड़ा एलिगेशन है कि इस फसाद से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और दो शख्सियात जिनकी आज मीटिंग है ये इनका इम्तहान है कि इससे बाहर कैसे निकलते हैं। एक तरीका उसका मेमो टाइप है कि मेमो में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे और एफिडेविट तलब करें आर्मी चीफ से, शहबाज शरीफ से, DGISI से, असद मजीद से, और उसकी बेस्ट अपना डिसीजन दें। एक हल वो है जो शहबाज शरीफ तजवीज़ कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी, और उसके मिनट्स एटलीस्ट पब्लिक कर दें। इस साइफर नोट की डिटेल्स मैंने अब ये कैबिनेट के इजलास के अंदर सारी पढ़ ली, और मेरा कंक्लूजन आज भी वही है जो पहले दिन था कि अमरीका आपको धमकाएगा कि IMF से कर्ज़ा लेना है तो हमारी मदद चाहिए, हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर इमरान खान ये पॉलिसी अपनाएगा। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने आओगे, FATF से हमारी मदद लेने आओगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और हम हर दफ़ा जाके उनसे मिलते हैं, पहले US स्टेट और ट्रेजरी से मिलते हैं, फिर जाके IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं। तो ये वो कॉन्स्पिरेसी है, ये वाली जो रिजीम चेंज जिसको इमरान खान कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे एक कुलीग लेके आए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उनकी बारह मेहरबानी है, पूरा डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने अभी पढ़ा। दूसरा एक और उससे बड़ा इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम क्या है वो तो वह समझ नहीं आता कि उसको क्या बोलूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर से एक इंटरव्यू में पूछा था आज से कुछ 1.5 साल पहले कि प्राइम मिनिस्टर बॉस आप हैं या प्राइम मिनिस्टर बॉस हैं या जनरल बाजवा बॉस हैं। ये सवाल बड़ा मुश्किल था लाइव TV चैनल के ऊपर पूछना, उनके मीडिया के अंदर कुछ लोग, मुझे बाद में मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और बाकी लोगों ने बताया, शहबाज गिल और बाकी लोग, वो इस पर बहुत परेशान थे और शोर करते थे कि ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सवाल बनता था क्योंकि हर चीज़ के ऊपर सेम पेज हमें बताते थे, और मिलिट्री ने बहुत सारे मामलों में बेल आउट करती थी, मदद करती थी, वोट हो, कानून साजी हो, जो मर्जी हो। फैज़ ईसा का रेफरेंस, जिसके ऊपर मेरी कन्विक्शन है कि वो सिर्फ फैज़ाबाद जजमेंट उसकी बुनियाद बनी थी और कुछ नहीं था, उसकी कोई रॉन्ग डूइंग टैक्स मैटर्स में होंगी तो उसका जवाब फैज़ ईसा ने देना या उनकी अहलिया ने देना, मैं उसके लिए जवाब दे नहीं हूँ। लेकिन बुनियाद उसकी उस दिन पड़ गई थी जिस दिन फैज़ाबाद धरने के ऊपर फैज़ ईसा ने ऑर्डर लिखा था, उस ऑर्डर के अंदर जिनका नाम लिखा था उसके बाद ये रेफरेंस आ ही जाना था, आज नहीं आता तो कल आ जाता या आना ही आना था, ये आ गया। और उसके ऊपर जो अब मसला है, बशीर मेमन साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ एलिगेशन लगाए थे, उनकी तरफ आगे चल के आता हूँ। लेकिन लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम साहब जो इस रेफरेंस को प्लीड कर रहे थे, उनका बाकायदा ना वो ज़मीन हिला देने वाला बयान है, और बहुत से लोगों के लिए को चार्जशीट कर सकते हैं इस बुनियाद के ऊपर। पर ये उनका तहरीरी जवाब है जो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस काबीना में आया ही नहीं। आप बताएं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज के ऊपर रेफरेंस भेजा जा रहा है, और लॉ मिनिस्टर, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम कह रहे हैं जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ, ये बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ है, जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस काबीना में आया ही नहीं। फवाद चौधरी के पास कोई सबूत है तो दिखा दें, फवाद चौधरी ने कहा था काबीना में मैंने मुखालफत की थी, वो कहते हैं फवाद चौधरी के पास कोई सबूत है तो दिखा दें। काबीना इजलास के तो पूरे मिनट्स तैयार होते हैं, मिनट्स के अंदर तो लिखा होगा, वो मिनट्स पेश कर दें, वो कहते हैं काबीना में कभी आया ही नहीं। आगे जाके कहते हैं कि अदलिया इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जस्टिस फैज़ ईसा के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश भी नहीं है, ऐसी समरीज काफ़ी हसास नौयत की होती है, इन पर काम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से पेशगी क्लियरेंस इन एडवांस पहले उनसे इजाज़त ना मिल जाए। वज़ीर आज़म के एसेट रिकवरी यूनिट के पास दस्तयाब मवाद पर गौर करते हुए रेफरेंस भेजने पर इसरार करते थे। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसरार करते थे कि जो एसेट रिकवरी यूनिट के पास तफसीलात हैं, शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म को डुबोने में एक उनकी इकनॉमिक टीम, दूसरा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा शहजाद अकबर, ये नाम लिख रखी है, ये कभी तारीख में उनको दोबारा याद करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म एसेट रिकवरी यूनिट के पास दस्तयाब मवाद पर गौर करते हुए रेफरेंस भेजने पर इसरार करते थे। एसेट रिकवरी यूनिट पर वज़ीर आज़म ने कायम किया था और बराह रास्त इन्हीं के मतहत काम करता था। वज़ीर कानून के तौर पर मेरे 3 अदवार मुश्किल रहे, और आम तौर पर मैं तहम्मुल का मुजाहरा करता हूँ, मेरे पास किसी भी शकूक व शुबात को ख़त्म करने और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की पूरी सलाहियत मौजूद है, उनके पास पूरी तफसीलात मौजूद है, बताइए आप क्या करेंगे। मरियम औरंगज़ेब की भी कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन ये खबरें काबीना के मिनट्स और ये फरोग नसीम, ये मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करने के लिए यही काफ़ी है। उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तलाल चौधरी साहब PMLN से, और वी होप के बशीर मेमन साहब
फॉर्मर डीजी जी वो हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजी एफआई है वो भी हमारे साथ है। आप सबको खुश आमदीद कहूँगा जी प्रोग्राम में। बशीर मेमन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आपका वो मैंने क्लिप वो पहले सुन चुका हूँ कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया, फिर आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नाम लेके कहूँगा ताकि लोगों को कन्फ्यूज ना हो जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कमरे में ले जाया गया। वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आपकी चंद मिनट की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं तो अभी गांव में हूँ और आपकी मैंने पूरा वो जो इंट्रो है मैंने सुन लिया। मेरी बात तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपको अर्ज करूँ कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वही जो मतलब होता था, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे शहजाद अकबर और आजम खान, दे बोथ टुक मी टू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मैं आपकी तरह वो करूँगा कि मिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके पास ले गए। वो कोई दो मिनट से ज़्यादा हमारी मीटिंग नहीं हुई और उन्होंने मुझे कहा कि कोई हिम्मत करो, यू आर अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। मतलब जिस तरह होता है कि ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं और ये वो, तुमने बड़ी अच्छी केसेस को हैंडल किया है, बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है, अब ये भी केस आप अच्छे तरीके से करना और दिल ध्यान लगा के करना, बाहर सपोर्ट इज विद यू। अच्छा, मैं समझा शायद कोई केस होगा। फिर वहाँ से हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के, चूँकि आजम खान के ऑफिस में कोई चेंबर नहीं होता था, तो हम चले गए शहजाद अकबर के ऑफिस में जो कि उसी फ्लोर पे कोने पे होता था। वहां पर जाकर के मुझे उन्होंने, जब हम तीनों अकेले हुए तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, जब उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो काजी फैज ईसा साहब का नाम आया। तो मैं वैसे ही जिस तरह होता है फ्रेंकली, जाहिर है कलीग से सारे, तो मैंने उनको कहा एक्सक्यूज मी, यू आर टॉकिंग अबाउट काजी फैज ईसा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनके खिलाफ हमने इंक्वायरी करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल होगी। मैंने कहा होगी नहीं भाई, नहीं कर सकते। इस बात पे हमारा थोड़ा सा जिसको कहते हैं बहस मुबहसा शुरू हो गया। फिर उसके बाद हम तीनों उठ के गए फरोग नसीम साहब के पास, उसके पास अशफाक भी बैठा हुआ था जो उस वक्त डायरेक्टर था इंटरनेशनल टैक्सेशन का, और फरोग नसीम साहब जो है उसके साथ वो बैठा हुआ था उसके ऑफिस में। अच्छा, उधर जाकर के जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा ये लॉ के बड़ा एक्सपर्ट है फरोग नसीम, आई नो हिम, ही इज़ अ वेरी गुड लॉयर और वेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर है और बड़ी अच्छी लॉ फर्म हेड करते हैं, कराची के हैं और मैं उनको जानता भी हूँ, वो सेनेटर भी हैं, अभी भी सेनेटर है, उस वक्त तो फेडरल मिनिस्टर लॉ थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें, आपको पता है ना मैंने आज तक तो कोई केस नहीं हारा, मैं बिल्कुल ये केस जीत जाऊंगा, आप ये हिम्मत करें थोड़ी सी। मैंने कहा खुदा का वास्ता क्या कर रहे हो। हम जा करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज को के खिलाफ कोई इंक्वायरी करके उसको हम जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास करेंगे चालान। मैंने कहा ये कहाँ क्या कर रहे हो आप लोग। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम छोड़ दो, मैं वो सुप्रीम कोर्ट में कर दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई, ये खुदा का वास्ता है, FIA कर ही नहीं सकती कंप्लीट। ये बात अंजाम क्या हुआ इस मीटिंग का, इस सर अंजाम ये हुआ कि इट एंडेड आई थिंक कोई मूड खराब हुआ कि मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ अशफाक। फिर मैं थोड़ा सा एक और बात जो मुझे याद आ रही है, अशफाक इसको तो साढ़े तीन साल हो गए, तो अशफाक ने तो ये भी कहा था कि सर फिर लंदन चलेंगे ना, लंदन चलेंगे सर, फैमिली के साथ चलेंगे, तो सर आपको क्या है सर सरकारी खर्चे में। मैंने कहा यार लंदन को गोला मारो तुम, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं किधर से। और फिर उधर मैंने उसको ये भी समझाया था अशफाक को, अगर उसको याद हो, और याद आ जाएगा उसको इंशाल्लाह, आजकल वो चेयरमैन FBR लगा हुआ है, उसको जो बात हुई थी तो मैंने अशफाक साहब ने को मैंने कहा था कि मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैं तो पीक पे पहुंच गया अपने करियर के, आजम साहब भी अपने पीक पे पहुंच गए, ये दोनों वकला हजरात हैं, हम दोनों का तो करियर खत्म होने वाला है, जाहिर है 22 के बाद रिटायर ही होना है और गाँव जाके बैठना है, आपका अभी करियर शुरू हुआ है, 20वें ग्रेड में पहुंची हो। इस मीटिंग के बाद कोई फॉलोअप भी हुआ इसका, इस मीटिंग के बाद कोई फॉलोअप मेरे साथ इसी टॉपिक के ऊपर? मेरे साथ कोई फॉलोअप नहीं हुआ। हाँ एक मरतबा मुझसे शहजाद अकबर ने पूछी थी, वैसे ही कोई मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड इन द ट्रेवल हिस्ट्री ऑफ फैज ईसा साहब,
अच्छा, मैं तो पहले ये समझा था कि शायद मैंने इनको कन्विंस कर लिया, मैं ये समझा था कि मैंने इनको कन्विंस कर लिया इसलिए खामोशी छा गई है। लेकिन ये जो आप बात करें, आज जो फरूख नसीम साहब की मैंने स्टेटमेंट सुनी है या देखी है या पढ़ी है या पता लगी है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट ने डॉक्यूमेंट्स लाई थी और एसेट रिकवरी यूनिट को ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे एफबीआर ने, जो हमारी एग्रीमेंट्स हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ओईसीडी के साथ और कोई यूके की कोई टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है उनके साथ, जो कि हमारे साथ डेटा शेयर करते थे, उस डेटा में से इन्होंने ये चीज़ें निकाली थी। इतना मुझे उस वक्त थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ था कि ये अशफाक का इतना ज़्यादा वो बनता नहीं है, लेकिन वो मतलब डेटा ही अशफाक ने शेयर किया था जो कि वॉज अ सेक्रेट डेटा। जो एक लास्ट लास्ट आपसे क्वेश्चन कर लूं, फिर मैं आपसे खुदाफिस करके अपने मेहमानों की तरफ आ जाऊंगा। आपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के नाम लिए थे, आपने तीन चार लोगों का नाम लिया था कि आपको फरमाइश की गई, वो फरमाइश क्या प्राइम मिनिस्टर ने की थी और किन लीडर्स के ऊपर केस बनाने की फरमाइश की थी, वो बता सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरी शरीफ फैमिली, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, दोनों जो बेटे हैं उनके नवाज शरीफ साहब के, मियां जावेद लतीफ़, हमारे ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, खुर्शीद शाह साहब, वो असफंद यार वली साहब, जो असेंबली में तकरीर करता था, और सबसे ज्यादा जो गुस्सा था उनका, सबसे ज्यादा जो नफरत जिसको कहना कहा जाए, क्या उन्होंने आपको बुला के मीटिंग में ये बात कही, आपको ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपको बराह रास्त ये कही कि इनके ऊपर कुछ निकालो? सर एक मरतबा थोड़ी कहा, 10 मरतबा निकाली। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपने इन लोगों के खिलाफ केस बनाने के लिए कहा, ये आप कह रहे हैं? सर एक मरतबा नहीं कहा, मैं फिर आपसे एक और अर्ज करूं, एक मरतबा नहीं कहा, 50 मरतबा कहा। अच्छा अब उस्मान बाजवा उस्मान साहब बैठे हुए, इनसे बताएं, ये मेरे घर पे आए थे, ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ कोई कागजात लेकर के, पता नहीं नेशनल बैंक का कोई मसला था, आए थे मेरे घर पे। अभी रुके साथ, अभी 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 रुके, आप गए थे इनके घर के? नहीं गए? मैं इसीलिए डार साहब, क्या आप बशीर मेमन के घर गए थे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस? मैं इसीलिए आपसे कह रहा था, मैं मेमन साहब से सवाल करना चाह रहा हूं। देखिए मेमन साहब, कौम आपको सुन रही है, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेमन साहब। मैं रमजान का ही महीना था, मैं आपसे मिला था इसी तरह जिस तरह आज का रमज़ान है, कौम सुन रही है। जहाँ तक आपने ख्वाजा आसिफ की बात की है, चले मैं उसके केस के रिलेटेड हूँ, बाकियों के में भी ऐसे ही होगा। आप गए थे इनके घर? मैं बताता हूँ ना, मैं इनको डॉक्यूमेंट जो मेरे पास थे, जो कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का केस था, फाइलें थी, जो इन्वेस्टिगेशन क्या होनी थी, ये सामने बैठे हैं मेमन साहब, जो फॉरन अकाउंट्स थे, वही आप सुनिए जरा, मुझे आप फिर जवाब दीजिएगा प्लीज, जरा मुझे एक मिनट दीजिएगा। किसी सतह पे सुन तो ले मेमन साहब, अब आप टीवी पे आ गए हैं तो अच्छी बात है, जरा आवाम भी सुन रही है। पहले क्लियर ये बताएं कि आपको, क्योंकि तब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद इंटीरियर मिनिस्टर थे, कोई इंटीरियर मिनिस्टर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, तो इसलिए ये इनके रिलेटेड थे, उन्होंने आपको किसी सतह पर यह तो नहीं कहा कि ख्वाजा आसिफ को फेक केसेस बनाने हैं, झूठे केसेस बनाने हैं? ये कहा था कि जो अकामा का केस था, जो उनके फॉरेन अकाउंट से जिसमें पैसा आता जाता था, जो कि आपकी जिम्मेदारी का, मेमन साहब बतौर DGFIA जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करना कि एक साबक वजीर, एक साबक MNA इस मुल्क का बाहर अकामा रख के 20 लाख रुपया ले रहा था, उनकी वाइफ के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, जा रहे थे, उनके अकाउंट्स में आ रहे थे, तो आपकी वैसी जिम्मेदारी थी, यही बात आपसे हुई थी, और कोई बताएंगे कहा हो गया? बशीर मेहमद साहब से पहले पूछ रहे सर जी। सर तलाल चौधरी साहब की, मतलब उस्मान साहब की बड़ी मेहरबानी है, वो मुझसे बात पूछ रहे हैं। मेरे पास गवाह भी हैं उस मीटिंग के, जो आपने कहा था याद होगा आपको, मैं नहीं करना चाहता वो बात, मैं फिर से कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहता जो आपने जुडिशरी के बारे में उस दिन मुझे कहा था, याद है आपको? मेरे पास वो लोग गवाह, मेरे गांव के लोग बैठे हुए थे, हमने खाना, सुने 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 सुने, मैं पूरी बात आपको बता, क्या कहा था सर? दोहराएं, अंडर ओथ दोहराएं, रमजान का महीना 17 रमजानुल मुबारक है, यौम फुरकान, सर आपको सच बोलना पड़ेगा, बताएं।
सर सर मेरी बात सुने, उस्मान बाजवा साहब आए थे मेरे घर पे मुंह मुबारक उस्मान डार साहब वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने अच्छा वो ले आए थे, कोई नेशनल बैंक का कोई लोन था, पता नहीं क्या था, उसके मुताबिक बात हुई थी ये बात। आप बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने नमाज भी पढ़ी थी मुंह मुबारक के कमरे में, याद होगा आपको, ज्यारत भी हुई थी और खाना भी खाया था। और फिर उसके बाद मेरे गाँव के लोग आए हुए थे उस वक्त, वो भी मौजूद थे, वो भी अभी भी मेरे पास। जज का कौन सा तस्करा हुआ था? आपने कहा जज का तस्करा हुआ था, किस जज का तस्करा हुआ था? सर वो सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी मेरा ख्याल है, ये इन्होंने ही बताया था। और इन्होंने जो बात की थी, सर मेरी बात सुन ले, सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बात पूरी सुन ले, आप लोग सियासतदान है, मैं सियासत में अभी आया नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के किस जज का तस्करा हुआ था सर? सुप्रीम कोर्ट के किस जज का तस्करा हुआ था मुझे पता नहीं है। बेंच ने, जिसने ख्वाजा आसिफ को बहाल किया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, आप देखे सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने ख्वाजा आसिफ को बहाल किया था, उसके मुताबिक क्या बात हुई थी? आपने आपने जो बात की थी अभी अभी अगर आप दोहराए आपने क्या बात की थी, किसने खरीद लिया जजेस को? ख्वाजा आसिफ ने जजेस को खरीद लिया। किसने खरीद लिया? और इन जजेस ने किसने खरीद लिया? सर ख्वाजा आसिफ ने जजेस को खरीद करके अपने आप को बहाल करवाया। ये अच्छा, ये तो रमजान का महीना है। अब मैं तलाल चौधरी साहब को शामिल कर, नहीं रुके, तलाल चौधरी साहब, मलिक साहब आपने बुलाया ना सर, ये तलाल साहब आप ये क्लियर कर दें, अब आप आए हैं, अब खुदा को अजन जान के बोलना, कौन सुन रही है, सुन तो लेना मुझे, ये छोड़े के खरीदा था नहीं खरीदा था, आपने बात कही आपसे, नहीं छोड़े, मैंने क्यों कहना है, रमजान का महीना है, देखें छोड़े, आपसे इकामा इन्वेस्टिगेशन, ख्वाजा आसिफ के फॉरेन अकाउंट्स, उनकी अहलिया के फॉरेन अकाउंट्स, उस पर बात हुई थी। यहाँ तो आप खुदा को आज़ादा जान के कह दे जी कि मैं आपको ये कह रहा था कि ख्वाजा आसिफ को फिक्स करना है, झूठे केसेस में करना है, झूठे मुकदमात करने हैं, कोई ऐसी बात हुई थी? ये बताएं सीधी सीधी ब्लैक एंड व्हाइट। आपने आपसे मुझे टाइम, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि आपसे मिलेंगे, आपके लिए कहा था कि मिलेंगे, तो मैंने आपको आपको सुप्रीम कोर्ट की फाइलें दी थी ना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ बताए मैंने कौन सा कहा था ये जैली मुकदमा बनाना है, कोई मुकदमे का नाम बता दें, कोई ये बता दें कि ख्वाजा आसिफ को ऐसे घेरने के लिए कहा, ऐसे फंसाने के लिए। तलाल चौधरी साहब बयान में शामिल कर ले, तलाल चौधरी साहब को शामिल कर ले, फिर इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। तलाल चौधरी साहब ये बड़ी साहब ये बयान देने वाले हकीकत हैं, मैं बड़े खबरें हैं, मुझे मौका दे, तलाल चौधरी साहब को शामिल कर लेंगे गुफ्तगू में आप दोनों मेहमानों की तरफ से, ये बहुत परेशान खबरें हैं। जो फरोग नसीम साहब का बयान है वो भी, जो कैबिनेट्स के मीटिंग है वो भी, और जो बशीर मेमन डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरे सर, इनका तो भी, इनका तो, तो, इनका तो नदीम मलिक साहब, तलाल चौधरी आपको एक ख्वाजे के मामले में समझ दो, ये जो भी बात कर रहे हैं सर, तलाल चौधरी से सुनने में दोबारा आपकी तरफ आता हूं, आप साथ ही रुकिए तलाल चौधरी जी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं इमरान खान, उसका माइंड सेट देखें, अगर वो कभी कहता है मुझे सऊदीया जैसे इंसाफ का निज़ाम चाहिए, कभी कहता है ईरान जैसा चाहिए, कभी कहता चीन जैसा चाहिए, कभी वो चाहता था मुत्तकलुल अनान हुक्मरान वो हो, वो जिसको चाहे अंदर बंद करे, जिसको चाहे उसके खिलाफ फैसला करे, और उसके में नागवार गुजरता था जब उसको कोई इनकार करता था, जज हो उसके खिलाफ रेफरेंस डालता था, सियासतदान हो उसको जेल बंद करता था, उसके बाद मीडिया हो उसको निकालकर नौकरी से बाहर और उनकी नौकरियां और उनके बाद उनकी रोटी बंद करता था। सो उसका माइंडसेट जो था वो आप समझने की कोशिश करें, ये बातें अब जबान ज़दे आम है। बशीर मेमन साहब ने तो चले कुछ अपनी हकीकत बता दी, लेकिन किसको नहीं पता कि वो जब भी वो बात, वो इस कदर वो मेंटली सिक आदमी था, वो इस कदर तनकीद से बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं आपको, मैं एसी उतार दूंगा, मैं फांसियां दे दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, यानी उस बंदे ने कहां अपने उस ग्रज का और अंदर जो उसका अंदर है उसका उसने नहीं बताया। सो ये बातें बिल्कुल हकीकत है, मगर उसका किरदार जरा देख ले उस बंदे का, वो बंदा जो जो तोहफे की घड़ी बेच जाए, जो हार बेच जाए, जो वो बंदा जो तमाम उन लोगों को प्रोटेक्ट करता हो जो कि आटा चीनी खाद दवाइयों के स्कैंडल्स के सरगना हो,
वो बंदा जो के बुजदार जैसे आदमी को लगा के और फरा जैसी औरत को लगाकर पैसे जो है वो बनी गाला आते हो, आप उसकी बातें कर रहे हैं। ये बातें, मेरा मतलब है ये बंदा ये बिल्कुल इस तरह का था, ये चाहता था कि मैं मुतकल अनान हूं, जो बोले उसको बंद कर दूं, जो चाहूं वो करूं। यानी इसको इतराज है, अदालत ने इसके खिलाफ फैसला क्यों दे दिया उस रूलिंग पे? अदालत ने रात अदालत क्यों खोल रही? मैं तो आइन के साथ जो मर्जी खेलूं। यानी इस बंदे को नागवार गुजरता है। और मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, ये माइंडसेट जो है ये किसी जमहूरी आदमी का हो ही नहीं सकता। एक मैं बशीर मेहमद साहब आपका जवाब ब्रेक से वापसी पे लेता हूं, आप साथ ही रुकिए मेरे बशीर साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे आपसे जवाब लेता हूं, ब्रेक ले लें जी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। दो बहुत बड़ी हिला देने वाली खबरें हमारे पास हैं। एक कैबिनेट के मिनट्स हैं जो ये कहते हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का उसके अंदर तज़किरा ही नहीं। जो ज़ुबान डोनाल्ड लू ने असद मजीद से बोली, वो हमारी अपनी कैबिनेट ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि दैट अमाउंट्स टू रिजीम चेंज। ये कई मिनट्स में, बाकी तज़किरा नहीं है कि असद मजीद ने या किसी ने तज़किरा किया हो। ये बहुत बड़ी खबर है, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेटर्स को ये मदद करेगी। दूसरी उससे भी बड़ी खबर है कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम, वो कहते हैं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस कभी काबीना में आया ही नहीं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फ़ायज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट आने का, कैबिनेट में आया ही नहीं। तो बस यहीं पे छोड़ता हूँ, दोबारा आता हूँ मैं बशीर मेहमद साहब के पास। बशीर मेहमद साहब, ये तो हो गए, अपोजिशन के लोगों के ऊपर उनका गुस्सा था, वो सोचते थे ये करप्ट हैं, इनको जेल में जाना चाहिए, इनके खिलाफ सबूत ढूंढने चाहिए। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था जज अरशद मलिक का, वो भी तहकीकात एफआईए के पास थी, उसमें भी कभी आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, कभी ऐसा इंटरेक्शन हुआ प्राइम मिनिस्टर से? सर, प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल ये था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारी बदनसी भी अब ख़त्म हो गई है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल ये था कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद में, उसको लेकर के जज को, इनको मरियम नवाज साहब को टेररिज्म के केसेस में, केस में जाना चाहिए, और उनके जितनी भी लीडरशिप साथ बैठी हुई थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन सबको जाना चाहिए, जिनमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, परवेज रशीद साहब थे, मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक साहब थे। हमने उनको यही बताया कि सर ये नहीं हो सकता। आपने जो अभी बात की, मतलब वो तो टेररिज्म, वो तो अभी कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट गई भी थी, एफआईए गई थी मेरे जाने के बाद, और फिर जब वो तीन बेगुनाहों को जब हमने छोड़ा था, तो बहुत ज़्यादा मेरे पास, अभी वो मेरा चूंकि टेलीफोन गुम हो गया है, तो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया था आजम खान का, प्राइम मिनिस्टर टू मच अनॉयड, और ये तुमने कर दिया। मैंने कहा जी नाइंसाफी होगी, मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद तो आपने सर कर देना था, अंदर पांच छह लोग जेल में डाल देने थे, आहिस्ता आहिस्ता खुद जमानत हो जाए। सर बात यह है कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम यह है कि 2 करोड़ लोग वोटर है मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के, जेयूआई के, वो कहते थे सारे के सारे या तो इन सबको समंदर में फेंक दो, या तो इन सबको किसी, सबके ऑक्सीजन बंद कर दो। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये समझते थे कि चूंकि मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता है, तो इसलिए मेरा हक है यहाँ पे हुक्मरानी का, और जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। मुझे अपने आप को वो कंपेयर करते थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी आपको नजर आ गया सुप्रीम कोर्ट में भी एतराज है, हर बंदे पे एतराज, मतलब जो उनको सही नहीं समझता वो गलत। डार साहब से पूछे क्योंकि आप थोड़ा सा उसके ऊपर, मुझे लगता है जज्बाती भी थोड़े से हो गए। सर मैं, मुझे खुशी है आपकी पर्सनल कमेंट्स और स्टेटमेंट्स देख के कौम समझ गई होगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ के मामले में किसी भी अदालत में, किसी भी जगह आप मुझे बुलाएं, मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूं कि ख्वाजा आसिफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, उसकी अहलिया ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, उनके फॉरन अकाउंट्स है, और ये आपकी जिम्मेदारी थी बतौर DGFIA मेमन साहब, आपने नेग्लिजेंस की, ये आपकी नलायकी थी माजरत से, जो मैंने आपको दस्तावेजात दी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की बतौर पाकिस्तानी शहरी होने के, पाकिस्तानी शहरी होने के मैंने जिम्मेदारी पूरी की। तो ये आप ट्विस्ट ना करें, स्विंग ना करें हकायक को। अगर आपको साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बुलाया था तो वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, आप उनके नीचे आते थे, ये आपकी जिम्मेदारी थी कि इन चोरों का, डकैतों का,
मुहासबा करें, इन्वेस्टिगेशन करें। बशीर साहब से भी जवाब जी, बशीर मेहमान साहब, तो इसलिए आप ऐसे ही आगे कह रहे हैं जी, शायद मुझे फिक्स करने के लिए कह रहे हैं। बशीर मेहमान साहब, ये सोशल मीडिया ट्रोल्स जो है, इनको बोले किसी और को भी बोलने दिया करें भाई। दो साल के बाद आपने मुझे तीन के, मुझे नफरत क्यों नहीं होगी भाई? पूरे पाकिस्तान को तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो आपको एक्सटेंशन दे देते डीजी की, तो ये सब कुछ नहीं होना था ना। आप जो चाह रहे थे, आपकी हस्ब मंशा उन्होंने नहीं किया। जवाब सुन ले, तो फिर आपने यही बोल दिया आज। मेरी बशीर मेहमान साहब, सर एक्सटेंशन मुझे ये पब्लिकली मीटिंग में तीन साल की दे चुके थे इमरान खान साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उसके गवाह सेक्रेटरी गवाह है ना, उस वक्त के गवाह है। यू आर देयर फॉर थ्री इयर्स, आई सेड नो सॉरी, आई सेड नो सॉरी, इसलिए मैं नहीं चाहता। नंबर वन, उसकी कोई रीजंस होंगी मेरी अपनी, मतलब वो कोई पर्सनल रीजंस है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं आपको एक अर्ज करूं भाई, ये ढोल पीटना बंद करो, ढोल पीटना बंद करो। अभी मैं उसी जुबान में बात करना शुरू करूंगा जो अब नालायकी मुझे नालायक करते हो। अपनी नालायकी देखिए, पूरे पाकिस्तान को तुम्हारी नालायकी ने तबाह कर दिया, पूरे PIA को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के MS को तबाह कर दिया आप लोगों ने, नालायकी ने, और आपकी हुकूमत की नालायकी ने। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इस रवैये का आदी नहीं हूँ। मैंने पहले उठते ही कहा था, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। और नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक अर्ज करूँ, मैं टॉक शो में नहीं आया मैंने, और ये कहते हैं नालायक है। अच्छा, तीन साल के बाद पर्चा बना दिया, 2004 की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा मुझ पर बनाया, ठीक। अभी भी मैं नफरत ना करूं, हर 15वें दिन मैं जाता हूं लाहौर। चले चले, ये जो हार्श कमेंट्स जो है ना, कोई हार्श कमेंट किसी के ऊपर भी पास करना, मेरा मकसद ये है। तलाल चौधरी साहब, मैं पूरा दफा करूंगा अपने लीडर, तलाल चौधरी साहब आपसे। ये मामला कहीं जाना चाहिए आगे, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। तलाल चौधरी साहब, यार यहाँ कोई आसिफ का नाम लेने से पहले पता होना चाहिए रेसलिंग मैच पिछली क्या है सारी मेरे पास, रेसलिंग मैच नहीं हो रहा। तलाल चौधरी साहब फोरम पे रखने को तैयार, तलाल चौधरी साहब से पहले जवाब लेंगे जी, दोनों माइक बाकी रोकिएगा। तलाल चौधरी साहब, पहले आप बताएं, ये एलिगेशन बड़े सीरियस नोयत के हैं, इसको आगे कैसे बढ़ाएं? केस आगे चलना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो झूठ बोल रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, कुछ सच बोल रहा है तो उसका फिर आगे नतीजा निकलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। हमारा इस वक्त इशू ये है कि इतने बड़े पाकिस्तान के मसाइल हैं और हम कोई ऐसा तासर नहीं आने देना चाहते कि ऐसा महसूस हो कि हम कोई विक्टिमाइज किसी को कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख विक्टिमाइज करने से भरी पड़ी है। और हमने पहले भी मुशर्रफ दौर के मुश्किल तरीन दौर के बाद मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि मैं माफ़ करता हूँ सबको और कोई हम इस तरह का नहीं करेंगे, और हमने कोई विक्टिमाइज नहीं किया था। अब दोबारा, लेकिन मोटा मोटा जो इंसाफ है वो तो होना चाहिए ना जी। ये तो नहीं मुमकिन कि आप आइन के साथ खिलवाड़ करें, आप जजेस के साथ इस तरह का बर्ताव करें, मीडिया से करें, पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कैंडल्स आपके हों, आपकी एक जेब में पैसे हों हार बेचने के, दूसरी जेब में पैसे हों घड़ी बेचने के, और आप इस तरह के आदमी की एक हद तक तहकीक इंशाल्लाह ताला होगी। और इमरान खान का जो वो है था, यानी बशीर मेमन साहब तो एक है ना FIA, चले ये तो डार साहब कह रहे, मेमन साहब ठीक नहीं कह रहे। क्या आपने नैब को इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने एंटी नॉर्कोटिक्स को इस्तेमाल नहीं किया? क्या पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया? आपने तो नादरा से अपने मुखालफों के शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल करवाए हैं। इस हद तक आपने पाकिस्तान की हर मशीनरी, हर एक और हर ए आपने इस, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट तक आपसे दूर क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों ने हर एक का सेम पेज कहकर आपने इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। आपने अपनी सियासत के लिए, अपने विक्टिमाइज करने के लिए, अपना कीना निकालने के लिए, बुगज निकालने के लिए पाकिस्तान के हर इदारे को, इवन एस्टेब्लिशमेंट को भी आपने उसका नाम ले लेके इस्तेमाल करने की कोशिश की। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मीडिया के ऊपर पिछले चार सालों में, बल्कि कई सात आठ सालों से बहुत जुल्म हो रहा है। अभी मरियम औरंगजेब ने मुझे चार पांच चीज़ें भेजी हैं कि वो मिनिस्टर बनते ही उन्होंने काम किया है। आई होप कि वो इसको ऑनर करें, बाद में बंदे उठाने ना शुरू कर दें, या शुमाली इलाका जात की सैर के लिए किसी को ना ले जाना शुरू कर दें।
हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ख़त्म करने का फैसला, आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाने के लिए पीका एक्ट 2016 पर नज़रसानी की जाएगी, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मीडिया से मुतल्लिक मसाइल हल करेंगे, डिजिटल मीडिया का विंग भी ख़त्म कर दिया गया जहाँ पर ये मशीनी चूज़े बैठ के गालियाँ निकालते हैं सारा दिन, सरकारी टैक्स के पैसों से भी और प्राइवेटली भी दोनों तरह से। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे पिछले दौर में मंजूर हुआ था, इस पर कमीशन कायम करेंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। डार साहब बताइए, देखिए मल साहब है ये मीडिया पर मजालम की मजम्मत करते मत तो कर दें, अब तो ये हुकूमत है। मेरा ख्याल है मल साहब आपको तो हर दौरे हुकूमत से गिले मीडिया पर मजालम की मजम्मत, ये तो मानते हैं ना कि हर दौरे हुकूमत में नदीम मलिक को गिले शिकवे रहे हैं, गला दबाया गया मीडिया, मीडिया पर मजालम की मजम्मत करते हैं, ये है कि नहीं? मीडिया पर मजालम की मजम्मत जवाब देना पड़ेगा, जैसे मैं आपको देता सर, मैं आपका इंटरव्यू करने आता था आपकी, तो इनसे गालियां खाता था, अब इनका इंटरव्यू करने जाता हूं तो आपसे गालियां खाता हूं। का काम आपने बड़ा जबरदस्त इंट्रो भी किया और शुरू में आपने कहा सर मीडिया के मीडिया पर मुजालम की मजम्मत तो करते हैं, मुदाखलत है ये, मीडिया पर मुजालम की मजम्मत करते हैं कि नहीं? आने दे रहे मलिक साहब मुझे, मीडिया पर मुदाखलत है या साजिश है? ये ऐसे ही है कि उस्मान डार के मेरे घर में डकैती हुई है, चोरी नहीं हुई, समझ गए ना, डकैती जरूर हुई है, चोरी नहीं हुई, ऐसे ही मुदाखलत और साजिश का ये सारा चल रहा है, साजिश है ये, पाकिस्तानी हाथ उठा उठा कर जलसों में मलिक साहब कह रहे हैं, लोग आपको सुनते भी हैं, आप भी मान जाए साजिश हुई है, अब ये मुदाखलत नहीं हुई, नहीं हुई, पाकिस्तानी तो मान, अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम करे। मैं तलाल को मशवरा देना चाहता हूँ, तलाल मेरे भाई जिनको कहते थे चीनी चोर, जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ, आपकी सफों में है, जरा सोच के बोलना इंदा टीवी पे, क्लोजिंग जिनको कहते हैं माफिया लीम खान, वो आपकी सफों में है, क्लोजिंग वन लाइनर, सोच के घर तैयारी करके आना, क्लोजिंग वन लाइनर तलाल साहब, बनाने के लिए सारे आपने अपनी तरफ ले लिए हैं, क्लोजिंग वन लाइनर तलाल साहब, मलिक मुबारक हो भाई साहब, गुजारिश सब मुबारक आपको, जिस हालात में इस पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं, इंशाल्लाह ताला उन हालात से निकालेंगे और पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ देंगे, इंशाल्लाह ताला एड़ियां रगड़ेंगे और इधर से अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और 15 रुपए चीनी बढ़ा के सही रिलीफ दिया है, 10 दिन के अंदर 15 रुपए चीनी पाकिस्तानी और 5 रुपए बिजली बढ़ी है, वाह साहब, तलाल चौधरी वाह, तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।